नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का सिद्धांत लेता जवाब में इंडिया का बहुत ही खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बैट्समैन ढंग का परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मैच में ईशान पोरेल ने ऑस्ट्रेलिया का दो ओपनर का विकेट लेके बहुत बड़ा धक्का दे दिया। दोस्तों साथ में मैं आपको शेयर करूँ, अभिषेक शर्मा ने एक बहुत ही सुंदर कैच पकड़ के प्रूव करके दिखाया कि आने वाला टाइम का हार्दिक पांड्या बनने जा रहा है। दोस्तों इस मैच में बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस किया है शिवा सिंह हाजी ने, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया दो महत्वपूर्ण विकेट लिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने एक पल लग रहा था कम बैक करने जा रहा है और दोनों के बीच में अच्छा पार्टनरशिप हो रहा था और इस टाइम पे जरूरत था इंडिया का एक बहुत ही सुंदर ब्रेक थ्रू और शिवा सिंह ने एक नहीं दो दो विकेट लेके एक बार फिर से इंडिया को अपने जगह पे लेके आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नाथन और मरले को बीच में अच्छा पार्टनरशिप शुरू हुआ था जब उन्होंने नाथन का विकेट बहुत ही कम रन पे कॉट एंड बोल्ड करा लिया। दोस्तों विल सदरलैंड का भी विकेट उन्होंने ले लिया, जस्ट 5 रन बना पाया। आज बहुत ही सुंदर बॉलिंग के साथ साथ उन्होंने बहुत ही कम रन खर्च करके बहुत ज़्यादा क्रूशियल विकेट ले लिया और इस मैच में बहुत ही इफेक्टिव बॉलिंग किया है कमलेश नागरकोटी जी ने और उन्होंने भी आज सुंदर परफॉर्मेंस किया है। अंकुल रॉय को भी इस मैच में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी तक का स्थिति इंडिया की तरफ है और इंडिया 100% ये मैच जीतेगा। दोस्तों आपको क्या कहना है, अभी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।